एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 जनवरी और मैंने कल जो बोला था वीडियो में वो मैंने 31 दिसंबर को बनाया था, तो मैंने इसलिए पहले बोल दिया था क्योंकि ये आज का जो वीडियो है कल 2 जनवरी को जाएगा। तो एक बार फिर से बोले देती हूँ आपको हैप्पी न्यू ईयर, और कान्हा जी आपकी झोली खुशियाँ से भर दें और जितना आपने सोचा है उससे भी 4 गुना आपको मिले, सारी कमी दूर हो जाए इस नए साल में आपकी। यही मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ। और अभी हम नहा करके आए हैं, अनुष्का भी नहा करके आई है, और मैंने ये वाला सूट डाला है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये वाला सूट मैंने डाला है, ये वाला, और इसका ना दुपट्टे का कलर उड़ गया है, पता नहीं कैसे इस बिल्कुल बेकार सा ही हो गया है। अनुष्का ने पहने हैं आज ये वाले कपड़े, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं अनुष्का के भी कपड़े। तो अब हम खाना तो हमारा बन गया, और हमने खाने यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं कान्हा जी, तो आप सभी दर्शन कर लीजिए हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन, और आप साल भर तक ऐसे ही दर्शन करते रहें और फिर उससे आगे भी दर्शन करते रहें। आप ऐसे ही दर्शन करते रहें, इनसे अपनी मन की इच्छा मांगते रहें और ये पूरी करते रहें, बस यही सब है। और देखो एक से ही ड्रेस लेकर आए हैं अनुष्का के पापा, बिल्कुल देखो एक कलर ही लेकर आए हैं दोनों का। मैं बोल रही थी कि मैंने कहा एक कलर एक सा ही क्यों ले आए, बोले कोई बात नहीं दोनों एक से पहनेंगे। और गर्म कपड़े भी लाए हैं, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ गर्म कपड़े भी इनके। तो ये देखिए ये हैं गर्म कपड़े, ये एक तो ये वाला फ्रॉक है और एक ये वाला फ्रॉक है, दोनों के लिए एक एक मंगाया है। और एक देखो दो एक से पहन ही रखे हैं, और एक ये भी ऐसा ही लेकर आए हैं। और एक गर्म फ्रॉक मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने दो ही मंगाए थे एक एक दोनों के लिए, और एक नया और भी रखा है और वो डेली में पहनते हैं वो हैं, तो इनको रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं करती हूँ कढ़ी को गर्म, कढ़ी हो गई है ठंडी, और इधर मेरे रखे हुए हैं चावल, ये देखिए। अब मैं और अनुष्का खाते हैं चावल और कढ़ी। तो ये देखिए सुबह का खाना हमारा लगकर हो गया है तैयार, गर्मा गर्म कढ़ी और चावल। अब हम खाद डालेंगे धूप में उधर, और वहाँ पर बैठकर खाएंगे कढ़ी चावल, तो आप सब भी खा लो। और इससे आगे की क्लिप जो है वो मैंने कल ऐड की थी, कल जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्लिप ऐड कर लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आगे जो क्लिप है वो कल की है। पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और ये मैं बना रही हूँ 31 दिसंबर की शाम को। तो और मुझे यहाँ इधर काम करते हुए कम से कम 2 बजे से लग रही हूँ मैं इधर। पहले मैंने खोवा निकाला और गाजर धोई कसी,
और फिर वो खोआ निकल गया। फिर उसको करने के बाद फिर मैंने गाजर रख दी और अब मुझे 5 बज गए हैं और अभी इसका ये मुझे लग रहा है कि गाजर हो गई है तो मैं इसमें चीनी डालूंगी। और देखिए सूर्य भगवान भी अपने घर चले गए हैं, ये देखिए। और एक दो मेरे कपड़े भी रह गए हैं अभी तार पर जो नहीं सूखे थे, जो सूख गए थे उनकी तो मैंने तय कर दी थी। और जो एक दो रह गए उनकी अब कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि इस लकड़ी को लगा लूँ क्योंकि अभी चीनी डलेगी तो फिर पानी छोड़ेंगी गाजर, तो मुझे वो लगानी ही पड़ेगी। और मैं चीनी भी ले आई हूँ निकाल कर। और उधर रखा हुआ है मेरा पानी जो मैंने पिया था, क्योंकि आज पिया था हमने रायता, तो आज हमें बार बार प्यास लग रही है इसलिए मैंने पानी भी मंगा लिया था नुस्खा से और यहीं पर रख लिया था पीने के लिए। तो मैं इसमें चीनी डाले देती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है हलवा बनाने में जब गाजर कसते हैं और गाजर साफ़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। और ये कम से कम क्या 6 ही किलो गाजर थी जो ये लेकर आए थे तो। और ये कढ़ाई भी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें सारी एक साथ ही आ गई, वरना तो मुझे 2-3 बार करनी पड़ती है उस कढ़ाई में। तो ये देखिए मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है और मैं सोच रही हूँ कि उस लकड़ी को लगा ही लूँ, जल्दी से काम हो जाएगा, वरना तो फिर और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। और किस किस को पसंद है गाजर का हलवा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। और सर्दियों में ही जब सीज़न चलता है तभी बनता है, वैसे तो नहीं बनता है। और मैं 3 या 4 बार तो बना ही लेती हूँ सर्दियों में, अब ये दूसरी बार बनना है मेरा, इससे पहले एक बार और बना लिया था मैंने। आप सोचोगे कि मैं भगोने में सरफ क्यों घोल रही हूँ, तो मैं भगोने में सरफ इसलिए घोल रही हूँ कि मुझे करने हैं कान्हा जी के कपड़े धोने हैं। यहाँ पर 2-3 जोड़ी कपड़े इनके हो रहे हैं ये वाले, और एक उनकी तौलिया है ये वाली, तो मैं इन सबको अच्छे से धोकर और मैं उधर धूप में डाल दूँगी। धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तो मैंने कहा आज इनको धो लेते हैं। 2-3 जोड़ी कपड़े थे इनके तो मैं इनको धोती हूँ। और मैं सोच रही हूँ गर्म कपड़े भी हैं उनको भी ले आऊँ, मैं भूल गई तो मैं उन कपड़ों को भी लाती हूँ गर्म, और ये ठंडे और तौलिया, और जो दो एक आधा जोड़ी इनके एक्स्ट्रा कपड़े हैं सबको आज धुल दूँगी इनको। और एक फ्रॉक ये रह गया है इनका ये वाला, तो ये ले आई हूँ मैं उनके ऊन वाले कपड़े, जो गर्म कपड़े में पानी रह गया है कम, मैं इसमें और पानी डाल लेती हूँ और डालूँगी फिर इनमें सरफ और इनको धो करके सुखा दूँगी। तो आज मैंने किए हैं कान्हा जी के कपड़े वॉश। तो खाना खाकर कान्हा जी के कपड़ा धोकर कान्हा जी को खाना खिलाकर तो मैं यहाँ आ गई हूँ। धूप मैंने डाल ली है खाट और मैंने सोचा अच्छी धूप निकल रही है तो क्यों ना इधर ही खाट को डाल लूँ और फिर मैं अपने साग को साफ कर लूँ। वैसे आज साग बनेगा नहीं, साग तो फिर बनेगा बाद में, लेकिन साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने मेथी पालक और बथुआ तीनों को ले लिया है और मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और बहुत मेहनत लगती है साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा देर लगती है। साग का मेन काम यही होता है, साग को साफ़ करना, धोना और काटना। बन तो फिर जाता ही है लेकिन इन कामों में बहुत देर लगती है, तो मैं आराम से बैठकर कर रही हूँ इसको साफ़। और बथुए में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी निकली थी। मेथी पालक तो ठीक थे लेकिन बथुए ने तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब कर दिया, तो मैंने कर लिया है इन तीनों को यहाँ पर साफ़। और तो अब हो गई है शाम और यहाँ पर चल रही है शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है और आटा लगाने के बाद इधर मैंने वो बना ली है आलू की पिट्ठी बना ली है, जो कि हम बना रहे हैं यहाँ पर कचौड़ी। शाम के खाने में हमारे बन रही हैं कचौड़ी और इधर मैंने रख दिया है दूध। मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ इधर मैं कचौड़ी बनाऊंगी और उधर मेरा दूध गर्म हो जाएगा, जिससे कि निकलने का भी डर नहीं लगे रहेगा। और जरा सी भी देर हो जाती है तो फिर निकल ही जाता है अगर जरा सी भी देर हो जाए। और मैंने इसमें मुनक्खे भी डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर पिट्ठी में, अभी मेरी पिट्ठी में मैंने वो काट दिया था हरा धनिया और हरी मिर्च, लेकिन अभी और सामान नहीं गिरे थे, मसाले जो गिरते हैं, तो अब मैं उनको यहाँ पर डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ और वही 4 मसाले ही जाते हैं, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, और हरा धनिया मैंने काट लिया है और हरी मिर्च भी काट ली है। प्याज मैं डालूँगी नहीं क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगाना है, तो मेरी ये पिट्ठी हो जाएगी बनकर तैयार।
फाइनली हमारी कचौड़ी बननी हो गई है शुरू। और आप सोचोगे कि ये छोटी सी इतनी इतनी कचौड़ी बनाओगे क्या आप, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कचौड़ी है मैंने बनाई है कान्हा जी के लिए, तो छोटी सी कचौड़ी बनाई है पहले, तो मैं उनको भोग लगा दूंगी और फिर इसमें बाद में अपने लिए जो बन रही है हम सब के लिए वो डाल दी है मैंने। और ज़्यादा ज़्यादा भरी है मैंने पिट्ठी, अनुष्का के पापा जी को ज़्यादा भरकर ही पसंद है, तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ ये देखिए। और ये मैंने परात में इसलिए रख ली है, मैंने और कचौड़ी रख ली है हॉट केस में, और ये परात में इसलिए रखी है कि अनुष्का के पापा को जरा भी तेल आ जाता है कचौड़ी में तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मैं इस अखबार से इसको इनको दबा दबा कर जो थोड़ा बहुत भी इसमें तेल है चिकनाई है उसको पूछ लूँगी। और बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर दिया आज इन कचौड़ियों ने, फट गई पता नहीं कैसे, और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हुई तो मैं इनको कर रही हूँ। और इसी के बाद इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।